आई एवरी वन वेलकम टू करप यू ऑल आर डूंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री से ठीक है तो ये वीडियो आप सबके लिए फ्री रहेगा लेकिन अगर आप मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं एस एग्जाम्स का कोई भी चाहे कॉन्स्टेबल हो सब इंस्पेक्टर हो नई तहसीलदार का एग्जाम हो या चाहे जेके की टेस्ट सीरीज हो प्रलम्स की मेंस की या अगर आपको यू पी एस या जेके पी का सोशलॉजी ऑप्शन लेना है तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो ये आज पी वाई क्यू में इसका क्यों लेके आई हूँ क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जो है कम्पलीटली पढ़ाई है एंड ऐसे ही हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी रहेगा जो जो कॉम्पोनेंट हम कवर करेंगे बाद में उस कॉम्पोनेंट के जो पी हैं जो ऑलरेडी एस पूछ चुकी है वो हम डिस्क करेंगे ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और जो चीजें मिस हो गई हैं वो चीजें भी हम कवर करें ठीक है तो अगर अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया डोंट वेस्ट योर टाइम ठीक है तो कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ थाउजेंड रुपीज का जिसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं तो डू बाय द कोर्स टू गेट द फुल एक्सेस ऑफ दिस इधर नाइट एग्जाम और योर सब इंस्पेक्टर एग्जाम और योर कॉन्स्टेबल एग्जाम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन विच ट्रीटी वो साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू द एक्विजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब जब मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाई इसमें हमने सिख एम्पायर में तीन ट्रीटीज डिस्कस की थी थ्री ट्रीटीज तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल वीडियो को पॉज करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था हमने ट्रीटी ऑफ लाहौर पढ़ा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर एस इसको शॉर्ट में लिखते हैं एंड ट्रीटी ऑफ ट्राई पार्टी ये तीन ट्रीटीज हमने डिस्कस इसमें की हुई है अब क्वेश्चन में ट्रीटी ऑफ लाहौर भी है शिमला हमने डिस्कस नहीं किया है जेके हिस्ट्री में पानीपत भी हमने डिस्कस नहीं किया है तो अगर एग्जाम में आपको इतना पता हो शिमला पानीपत नहीं है तो यू माइट गेट कन्फ्यूज अगर आपका रिविजन प्रॉपर नहीं है बिटवीन लाहौर एंड अमृतसर ठीक है तो हम ये दो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जो लाहौर की ट्रीटी है आपकी वो साइन हुई थी नाइन्थ मार्च को 1846 ठीक है तो लाहौर कि ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था और ये साइन कब हुई थी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर दैट मींस ब्रिटिशर्स एंड सिख के बीच की जो वॉर हुई थी जिसको एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिख जो थे दे अग्रीड से हुआ अमृतसर जो है इससे क्या हुआ था ये भी मार्च टू थाउजी फोर्टी सिक्स में ही साइन हुई थी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कश्मीर जो है इट वॉज सोल्ड बाई ब्रिटिश टू महाराजा गुलाब सिंह ठीक है कितने पैसे देने के बाद सेवेंटी फाइव लाख रुपीज तो वो थी आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर तो जो थर्ड ट्रीटी हमने डिस्कस की थी ट्रीटी ऑफ ट्राई पार्टी दैट ट्राई पार्टी मीन थ्री पार्टीज इन्वॉल्व थी उस ट्रीटी में वो कौन कौन सी एक तो आपके ब्रिटिश थे एंड अफगान के थे शाह शुजा एंड महाराजा रंजीत सिंह इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग महाराजा रंजीत सिंह पे एक्सेप्ट की गई थी दैट रहेगी इनकी कश्मीर पे ठीक है शाहजा जो अफगानिस्तान के थे उन्हें भी एक्सेप्ट किया था बेसिकली इस ट्रीटी में क्या हुआ था तीनों पार्टीज ने कहा था कि इन टाइम्स ऑफ नीड हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं आगे इसमें हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेके हिस्ट्री का पार्ट है जैसे ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज या आप कहीं पे फोर्ट के देखोगे कि कौन सा माउंटेन है उस जगह पे वो किस सिटी में है लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के कोई पर्टिकुलर फोर्ट या उनके बारे में तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे जोग्राफी में अगर आप पिलग्रम डेस्टिनेशंस डेस्टिनेशन का देखोगे तो वो हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कवर करेंगे ठीक है तो अभी हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री ये लेक्स वगैरह ये भी किसका पार्ट है जोग्राफी का पार्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेड बर्ड मस्जिद इन कश्मीर तो बर्ड मस्जिद इन कश्मीर ये किसने बनाई है ये बनाई है आपके रिंचन रिंचन के बारे में हमने पढ़ा है बुद्धिस्ट बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था ये कन्वर्ट हो गए थे ठीक है तो अब देखो मैंने आपको ये भी कहा कि ये पी वाई क्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि ऐसे छोटे मोटे जो फैक्चुअल चीजें होती हैं जो वीडियोस में रह जाती हैं वो बाकी तरीकों से भी आपको कवर करनी होती हैं अब वो तरीका क्या है कवर करने का पहला की पीवाई क्यूज में वो कवर किया जाएगा सेकेंडली मैं आपको एक सप्लीमेंट्री नोट्स दे दूंगी ठीक है ये आपके कंप्लीट कोर्स जब हम कंप्लीशन में जाएंगे या दो चार कंपोनेंट्स हमारे और कंप्लीट होंगे तो सप्लीमेंट्री नोट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ऐसी जो फैक्चुअल वन लाइनर्स होते हैं वो वहाँ पे एडेड होंगे क्योंकि हर चीज़ लेक्चर में कवर करना इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल उससे लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड वो सप्लीमेंट्री नोट्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाने पड़ते हैं दैट इज़ वाई इट टेक्स टाइम वो रिसर्च किस पे बेस्ड होती है पी में रिपीटेडली कौन से क्वेश्चन आते हैं हैं एंड किस एरिया के क्वेश्चन आते हैं जैसे किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आया होगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट का जो किंग था उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा या डिस्ट्रिक्ट में कोई एक चीज़ किस ईयर में हुई उसका नेम चेंज जो है वो किस किंग ने किया ऐसी सारी जो चीजें हैं इसके सप्लीमेंट्री नोट्स में ऐड होते हैं फाइन तो यूजुअली जो ये चीज़ें हैं जो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट से आती हैं एग्जाम में जैसे जम्मू की वेबसाइट होगी उस पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट होती है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का उस पर हिस्ट्री लिखी होती है तो उस डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चन पिक होते हैं आपके एग्जाम के लिए तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको सप्लीमेंट्री नोट्स में मिल जाएंगी ठीक है तो आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला विच फेमस श्राइन इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रेम साइट फॉर हिंदू तो वैष्णो देवी टेम्पल ये काफी फेमस है इम्पोर्टेंट एंड इफ यू आर इफ यू बिलोंग टू जे एंड के ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं पता हो कि वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे कट है कटरा में गुलाब सिंह मॉज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच फॉलोइंग treaties डेटेड सिक्सटीन मार्च एटीन फोटी सिक्स तो अभी हमने कुछ देर पहले ये डिस्कस किया मैंने आपको कहा ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी मार्च एटीन फोर्ट सिक्स में हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर एक्विजिशन के रिगार्डिंग थी अगर आपको ये नहीं पता कि राजा बनाया गया था बट यू शुड भी नोइंग कि जो ट्रीटी मार्च में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर उसमें कश्मीर को बेचा गया था गुलाब सिंह को और उसी ट्रीटी में इसको डिक्लेयर किया गया था मेट द राजा ऑफ जम्मू तो आंसर वो भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर यह हमने क्लास में पढ़ा हुआ है In which year? In the year 1532, who among the following invaded Kashmir? तो कश्मीर को किसने इन्वेट किया ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला जब हमने मुगल रूल का स्टार्ट किया तो मुगल्स कौन से मुगल एम्पेयर थे जिन्होंने कश्मीर को इन्वेट किया था अकबर ठीक है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के दे शुड नो दिस क्योंकि मैंने ये आपको अच्छे से क्लास में पढ़ाया है राज तरंगिनी भी हमने पढ़ा है ऑब्वियसली हिस्टोरिकल अकाउंट कहाँ का है कश्मीर का एंड राज तरंगिनी जो है इसने बेस किसको बनाया था ये भी मैंने आपको बताया है इट इज़ बेस्ड ऑन द एनशंट टेक्स्ट जो पहला टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है निलमत पुरान आगे चलते हैं तो now, till now, satisfied कि ये हैं तो सारी चीजें हमने पढ़ी क्लास में हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन थर्टी नाइन अब कौन थे ये डायरेक्टली हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आप देखो ऑप्शन महाजन कश्मीर में है महा देखो तरीका भी क्या होता है इस वजह से भी पी वाई क्यूज भी जो है ये मैं लेके आऊंगी साथ साथ ताकि आपको एक तरीका भी पता चले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है डॉट्स कैसे कनेक्ट करने एल के अडवाणी कश्मीर के तो हु हुज अ हमें क्वेश्चन में बोलना है हु वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरी सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन थर्टी नाइन तो इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे एल के अडवाणी तो ये इनका नाम हमने सुना है ये नहीं है राव जो है सर नेम अ बंगाली सर नेम कश्मीर में एज एन हमने कश्मीर के रिलेटेड हरी सिंह के रिलेटेड राव नहीं सुना है सिंधिया जो है ये पंजाबीज या टूवर्ड्स द नॉर्थ या महाराष्ट्र वहाँ से भी आपको ये सरनेम मिलेंगे तो ये हम वहाँ पे सुनते हैं महाजन जो हैं जम्मू में हमने महाजन सर नेम बहुत सुना तो है तो अगर आपने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो ये तरीका होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं ठीक है अगर आपके तो अगर आपको लग रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम में तो अटैम्प्ट जो है अपना कम रखना क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना गैसेज कम लेना ठीक है अगर आपको लग रहा है पेपर इजी है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर ये तरीके आप यूज़ करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मैंने सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें स्टूडेंट्स को पहली एम सी टेक्निक्स बताई थी कुछ क्या होती हैं सॉल्व करने की जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो ठीक है तो वो जिन लोगों ने फॉलो किया था काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ बच्चों के एंड आई कैन टेस्टिफाई अभी जो लास्ट मेरिट रिजल्ट आया है अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया जो मार्क्स

कबाइल फोर्सेस अफग़ानी फोर्सेस थी वो जो आई थी क्योंकि आपको जो महाराजा हरी सिंह ने बोला था कि हमें जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट को अलग रखना है वी डोंट वांट टू गो इधर विद इंडिया और विद पाकिस्तान दे वांटेड इंडिपेंडेंस लेकिन उसके बाद क्या हुआ था आफ्टर नॉट बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया दे वर अटैक्ट दे वर रेडेड बाय कबाइल फोर्सेस अब कबाइल फोर्सेस वो इसमें किसी से रिलेटेड नहीं है कबालीज कौन से होते हैं वो बेसिकली आपके ट्राइबल पीपल होते हैं ट्राइबल पठान होते हैं अफगान मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया दे वर अफगानी फोर्सेस ठीक है तो वहां से आप गेस कर सकते हो ट्राइबल पठान इज द आंसर टू होम डिड ब्रिटिश सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट ये भी हमने पढ़ा हरी सिंह तो आगे चलते हैं निशाद बाग वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन लोकेटेड तो किस इनाया गया था इसको अगर आप थोड़ा नोट्स पे फोकस करो जब मैंने आपको दी मैंने आपको बोला शाहजहां के ब्रदर इन लॉ ने बनाया और उनका लास्ट विजिट था वन दैट मीन सिक्सटीन फिफ्टी के बीच में जो ये है कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि उसके बाद वो कश्मीर नहीं आए थे वो वाले बादशाह तो वहां से आप गैस कर सकते हो 1600 टू तो 1650 के बीच में बाग बना होगा अगर आपको डायरेक्टली इनका नाम नहीं भी पता विच किंग ऑफ जम्मू अग्री टू असीड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया अगेन मैंने आपको बोला जब आजादी मिली तो जो महाराजा हरि सिंह थे वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ फिर पठान फोर्सेस ट्राइबल पठान फोर्से, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया एंड वो इंडिया दिल्ली गए उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि हमारी हेल्प करो इन रिटर्न हम क्या करेंगे असीद करेंगे कश्मीर को किसके साथ इंडिया के साथ ठीक है तो आंसर इज महाराजा हरि सिंह महाराजा हर सिंह रूल जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1925 टू तो 1952 कल ही हमने पढ़ा 1925 को ने स्टार्ट किया 1950 फिफ्टी बी कई बुक्स में लिखा होता है अंटिल 1952 लिखा होता है तो इन दोनों को आप करेक्ट मान के चल सकते हो। पुराना ये भी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज मेड इन विच ईयर एटीन फोर्टी सिक्स ये भी हमने पढ़ लिया है राइटर ऑफ राजिनी दैट ओल्डेस्ट एंड द फुलेस्ट हिस्ट्री ऑफ द लीजेंडरी किंग ऑफ कश्मीर किंग्स ऑफ कश्मीर तो राज तरंगिनी किसने लिखी है कल हाना ने यह आपके फर्स्ट लेक्चर में ही काबर हो गया था एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एटीन फोर्टी सिक्स ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर कितने पैसों में बेचा था उसको साढ़े सात लाख में सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ये हमने कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया है द बहू फोर्ट इज सिचुएट ऑन द बैंक्स ऑफ वेस्ट रिवर तवी रिवर ये भी हमने कल डिस्कस किया था जब ने बहुलोचन जाम्बुलोचन के बारे में मैंने कहा एंड टूवर्ड्स दी वेस्ट वर्ड्स ऑफ तवी एंड लेफ्ट ट्रिब्यूट्री ऑफ तवी वो सारा एरिया जो था वहाँ पे जम्मू बनाया वहाँ पे बहु फोर्ट जो है उसको फाउंड किया गया बाई बहूलोचन ठीक है एंड उनके बाई थे जाम्बूलोचन हु इज क्रेडिटेड एंड कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ जम्मू हारी पर्बत फोर्ट बिल्ट है वो किस गवर्नरशिप के अंडर हुआ था किन के देख रेख में बना था कुली खान ठीक है क्या था? अकबर का तो अगर आप लेक्चर या नोट्स रिकॉल नहीं भी कर पाओ लेकिन थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया हो तो हरी सिंह गुलाब सिंह रंजीत सिंह जो है ये इनके साथ हमने कहीं हारी पर्वत जो है उसको रिलेट नहीं किया है दे केम टू वर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ दिस्ट्री ऑफ कश्मीर ठीक है जब सिख एम्पायर बना था एंड जब आपका बाद में डोगरा एम्पायर जम्मू प्रोविंस की हमने बात की जब देर डायनेस्टी एंड डोगरा रूलर्स हमारे सामने आए थे ठीक है द नेम ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स ग्रीक्स इज अब के अकॉर्डिंग क्या नाम है ये भी हमने पढ़ा है नोट्स में भी ये है है, है ये नाम भी मैंशनड है कैस्पिरा भी मैंशन है एंड कैशिलो भी मैंशन है कैशमिलो किसने कश्मीर को कहा था वो मेरे को कॉमेंट्स में बताओ एंड इसका आंसर कैसपिरा है वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आगे चलते हैं

इस्लाम खान महुद्दी मोहम्मद मियाँ अलग अलग नाम है तो इन, इसका आंसर इस्लाम खान है बी तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपने डायरेक्टली नहीं पढ़े हैं और जो फैक्चुअल हैं उन पे आई वुड सजेस्ट कि ऐसा इक्का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बट यू डोंट नीड टू मरी वरी मच अबाउट इट एग्जाम में अनलेस uh, के कोई एक गवर्नर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके साथ हम कोई कंस्ट्रक्शन कोई एक नया रूल कोई लॉ कोई एक्टिविटी एसोसिएट करते हैं ठीक है वो गवर्नर तो हमने पढ़े हैं सारे कवर किए हैं अब जैसे ये वाला गवर्नर आ गया कि 1663 में कौन सा गवर्नर था तो इस क्वेश्चन को देख के आपको ज़्यादा गवर्नर के अब हर गवर्नर के ईयर के पीछे नहीं भागना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसी एक ही एग्जांपल मिली मुझे पूरे इसमें कि जिसमें एक जनरल सा गवर्नर पूछा हो कि मुगल रूल के टाइम पे कौन था ठीक है तो आपको क्या करना है रूल ऑफ एलिमिनेशन होता है एक तरीका एम सॉल्व करने का जिस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाओ जैसे कासिम को एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि मोहम्मद बिन हमने कासिम अब्दुल कासिम खान भी पढ़ा है एंड स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मुगल गवर्नर था उसका नाम भी कासिम था तो वहां की दो की टाइम से और इस ईयर से सिक्सटीन सिक्सटी या पहला वाला ऑप्शन रूल आउट कर सकोगे फिर अगर आपने मियाँ हाथू जो है ये हमने टूवर्ड द लेटर स्टेज पढ़ा था ठीक है हमने आ, लेटे पार्ट ऑफ जब जे के की, की हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें यम देखा है तो ये भी आप इसको रूल आउट कर सकते हो फिर दो है ठीक है अगर कहीं से आप गेस कर सकते हो इट्स ओके okay. अगर नहीं कर सकते हो वाइल यू प्रिपरेशन आपको ऐसी चीज़ों के पीछे तंग नहीं होना है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है क्योंकि ये अगर आप हर गवर्नर का ईयर याद करने जाओ ना इट विल टेक यू मंथ्स टू मेमोराइज़ दिस एंड एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आपका जो इस बेनिफिट है उतना एफ़र्ट लगाने का वो काफ़ी कम होगा तो यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम

हो गया अगेन द सेम क्वेश्चन डैश फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक रिवर ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी इसका आंसर भी क्या है आपका बहु फोर्ट ठीक है

इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेन ये पार्ट ऑफ वो डिस्ट्रिक्ट वाला सप्लीमेंट्री जो मैं बना रही हूँ ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी तो इसका आंसर इज महाराजा गुलाब सिंह हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म टू द वैली ऑफ कश्मीर ये हमने पढ़ा हुआ है अशोका लाइक like, जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ पढ़ी हुई है वो हमने लिटरली पढ़ी हुई होती है ठीक है आई शो यू लाइक कैसा क्या तरीका है जो भी मैं आपको बोल रही हूँ सर्च करने का कंट्रोल एफ करके सर्च करो वेट स्पेलिंग मिस्टेक अशोका आप अशोका सर्च करोगे तो जो अशोका के बारे में हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी पार्ट ऑफ मॉरियन एम्पायर फोर्थ सेंचुरी इनकी इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द रीजन प्रोवाइड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हिस्स इन्फ्लुएंस एंड एफर्ट्स टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी हुई हैं नोट्स में इन डिटेल मैंशन है तो ये जो कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे नोट्स की है जो मेरे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को मैंने दिए हुए हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर हजरत बल श्राइन नाम से ही क्लियर है जैसे वैष्णो देवी टेम्पल के बारे में सबको पता होगा वैसे हजरत बल श्राइन के बारे में भी मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंगू आर द फर्स्ट चाइनीज पर्सन टू विजिट कश्मीर ऑन इज वे टू इंडिया तो वो कौन थे ह्यून सैंग थे ये हमने पढ़ा है नोट्स मेंशन है में में तो क्या यूर मैं ठीक है आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे की मैं आपको यहीं पे बता दू चलो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ जो ह्यून सैंग है वो आई थे six, ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन टू थर्टी सिक्स थर्टी फोर एडी के बीच में यहाँ आए थे सांग, ठीक है first Chinese to visit here. And second one कौन थे ये भी मैंने आपको बोला था ओ कोंग के ओ एन जी ये आए थे सेवेंटीन फिफ्टी नाइन एडी में ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज वो करना चाहें तो आपको ये नहीं पूछते फर्स्ट नहीं पूछ लेंगे सेकंड का नाम पूछेंगे ठीक है तो आपको वो चीज भी पता होनी चाहिए वेन वॉज द रूल ऑफ सिक्स इन श्रीनगर ये हमने पढ़ा एटीन फिफ्टी फोर में वो श्रीनगर पहुंचे हु फॉलोइंग served लीडर्स सर्व एज e रियासत एंड also द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो कौन थे करण सिंह मारदन सन टेम्पल मैंने अभी बताया कहाँ था अनंतनाग ये हमने पढ़ा भी है एज़ पर नीलमक पुराना द वैली ऑफ कश्मीर और वॉज ए ह्यूज लेक नोन है सतेसर तो ऑल ऑलरेज सतेसर लेक था एंड कश्मीर ये हम जोग्रफी में कवर रखा था मैंने जोग्राफी के लिए अभी यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है तो मैं आपको बताती हूँ कश्मीर को कंसिडर किया जाता था इसका स्ट्रक्चर लाइक ए बोल ऑफ वाटर एक बोल है और उसके अंदर सिर्फ लेक है दैट लेक वॉज कॉल सतेसर तो फिर ऐसे बोला जाता है लेजेंड्स हैं ऐसे स्टोरीज हैं फो आप फेबल्स बोलो उनको या मिथ्स बोलो कि इस बोल को क्रैक ये बोल को क्रैक हो गया था एंड सारा जो पानी है वो बह गया एंड जो पीछे बस्ती रह गई वो पानी के बहने के बाद दैट इज़ करंट डे कश्मीर आगे चलते हैं हु फाउंडर ऑफ जम्मू जाम्बूलोचन ये मैंने आपको बताया हमने नोट्स में कवर भी किया है कल ही हमारे लेक्चर में ये कवर हुआ है ह्यून चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन ठीक है ऑल ऑल्दो ये आपके मटीरियल uh, हिस्ट्री का पार्ट है ठीक है एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है ये तो आपके syllabus में अभी हमने ancient history start नहीं की है तो गुलाब सिंह एंड कॉन्कर रजौरी फ्रॉम आगा खान तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपने मेरे नोट्स प्रॉपरली फॉलो किए होंगे एंड आप टाइमलाइन देखोगे गुलाब सिंह का तो उससे यू विल एबल टू तो गेस आराम केट इज डी ठीक है अदरवाइज भी जो डिस्ट्रिक्ट दिस, के रिलेटेड खास कर चीजें वो मैंने आपको बोला सप्लीमेंट्री नोट्स में कवर हो जाएंगी ड्यूरिंग द पीरियड 1855 uh, 1556 टू 1605 कश्मीर वाज अनएक्सेड मुगल मुगल एंपायर बाय व्हिच मुगल एंपायर तो जलालुद्दीन अकबर ये हमने पहले भी पढ़ा नोट्स में भी है मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है ये राइटर ऑफ द बुक तारीख की डोगरा देश तो ये किसने लिखी है तो जब मैंने आपको सोर्सेज ऑफ जम्मू बताए थे मैं आपको उसका एक यही दिखा देती हूँ जब सोर्सेज ऑफ जम्मू हमने पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको कुछ बुक्स बताई थी इसीलिए छोटी छोटी चीजें जो आप मिस आउट कर देते हो नोट से वो आपको मिस आउट नहीं करनी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है तो तवारिकी डोगरा देश बाय नरसिंह दास नरगिस ठीक है यही आपके क्वेश्चन में आया था एंड यहाँ सारी जो बाकी सारे सोर्सेज भी हैं उनको भी आपको याद करना होगा तो ये बीच में आपको नोट्स इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके बताने के लिए कि ये सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं एंड जो बाकी भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो मैंने आपको बोला है कवर्ड है वो हमारे नोट्स में कवर्ड है फोर्थ पढ़ा अच्छा, है नोट्स पे भी है मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया है एंड इसका यहाँ पे आंसर कुंडल वन है आपको किंग बोलना है किस किंग के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी ठीक है गेन बाहुलोचन ये हमने पढ़ लिया बहुत बार मैंने कहा ना आपको कि ये जो बाहू फोर्ट है तवी रिवर है बाहुलोचन जाम्बुलोचन इनसे क्वेश्चन जो है रिपीटेटिवली पूछे गए हैं द एंशियन टेक्स्ट विच कलहाना रिलाईड इन राइटिंग राज तरंगिनी इज ए निलमत पुराना ये हमने कवर किया हुआ अभी मैंने आपको बताया नोट्स में भी है एंड वीडियोज में भी है विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेज इज लोकेट ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर बहु फोर्ट अगेन मैंने आपको कहा काफी बार ही रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन अब ये जूनियर असिस्टेंट्स का पेपर है जो 2024 में हुआ था देखते हैं कौन सा क्वेश्चन उसमें आया है वेर इज मातन सन टेम्पल सिचुएटेड अनंतनाग एंड हु बिल्ड शालीमार बाग एंड निषाद बाग इन जम्मू एंड कश्मीर दैट वॉज अंडर शाहजहां ठीक है तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमने कवर किए हैं आई थिंक दिस इज इट नहीं माथन सन टेम्पल एट अनंतनाग वॉज बिल्ड बाई किन्ने बनाया था ललित आदित्य मुक्त ये भी हमने कवर किया है ठीक आगे देखते हैं Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? तो अच्छा reign of Kanishka यही मैंने आपको कहा था comment section में बताओ कि किसके reign में हुआ था तब leader ruler का नाम क्या था तो ruler का नाम Kanishka था मैं इसको थोड़ा ये कर लेती हूँ हाँ ruler का नाम Kanish कनिष्का था एंड उस टाइम पे कौन से सेंट थे वहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी इट वॉज प्रेजाइडेड बाई विच सेंट उनका नाम था वासुमित्रा तो आंसर इज डी एंड ये कहाँ पे हुई थी कुंडलवन में ये सारी चीजें लेक्चर्स में कवर्ड भी हैं नोट्स में मेंशन भी है विच आर द रिवर फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज वैथ इन कश्मीर ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है संस्कृत नाम वैथ किसका है जहलम का ये सारी चीज़ें हम सेपरेटली जोग्रफ़ी में कवर भी करेंगे विच इज़ ब्ली हु इज़ ब्लीड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू दिस इज़ योर राजा जाम्बूलोचन ये भी हमने बहुत बारी रिपीट कर लिया तो ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में आई है और जो आती रहती हैं एग्जाम्स में ये हम सेपरेटली सारा कवर करेंगे ठीक है तो यू रो नीड टू वरी अबाउट इट जो भी कॉम्पोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं उसका ऐसे ही प्री पी वाई क्यू जो है वो डिस्कशन होता रहेगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन रहे एंड ऐसा नहीं हो ना कि लोग प्रिपेयर करते जाते हैं पर उनको फिर ये नहीं पता होता कि फाइनली हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो प्रिपेयर करने का मकसद आपका सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना है एंड उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इट इज इम्पेरेटिव कि आप साथ साथ जो है पीवाई क्यूज पे भी ध्यान रखें तो यही इसीलिए आपको कोर्स खरीदने को बोला जाता है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं जैसे पी वाई क्यूज़ देख के आपका कंटेंट प्रिपेयर करना पी वाई क्यूज़ देख के आपके लिए सप्लीमेंट्री नोट्स बनाना ये सारा आपकी एक साल की प्रिपरेशन को रोक देता है क्योंकि जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेगा और ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्क्रैच से करेगा इट टेक्स सेवन एट मंथ्स ठीक है खुद से सारा कवर करने के लिए तो अगर आप मेरा कोर्स देने में इंटरेस्ट हो नीचे जो लिंक दी हुई है आप उन उनपे ये कर सकते हो लॉग इन करके खरीद सकते हो और आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ ए लाउड वंस आल्सो बाय बाय हैव अ ग्रेट डे